और यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है, स्टेयरिंग की तरह पूरी घूम चुकी है और देखना है यहाँ पर किसका गरासा तेजी से चलता है, किसका गरासा स्लो चलता है। दोनों योद्धा नंबर वन के चैलेंजर हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में पनीर और पूरी रखी गई है, तो मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है पनीर और पूरी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पौनजी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुंभकर्ण थाली लगी हुई है, तो आज हमारे कुंभकर्ण चैलेंजर भी दो बैठ चुके हैं, फूलचंद जी और असीन जी। देखते हैं दोनों चैलेंजर इस प्लेट को खाली कर पाते हैं नहीं। जो भी खाली करेगा उसको मिलेगा 2000 रुपये का नगद पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरी और पनीर खाने के चैलेंज में दो योद्धा बैठे हुए हैं, तो देखना है किसके हिस्से में 2000 रुपये की नोट जाती है। तो पवन जी देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है, स्टेयरिंग की तरह पूरी घूम चुकी है और देखना है यहाँ पर किसका गरासा तेजी से चलता है, किसका गरासा स्लो चलता है। दोनों योद्धा नंबर वन के चैलेंजर हैं और देखते हैं कौन ऐसा चैलेंजर है जो पूरी सब्जी को बिल्कुल कंप्लीट कर पाते हैं सबसे पहले। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक तरफ फायर चंद, एक तरफ तोप चंद, और दोनों एक से बढ़कर एक चैलेंजर है। दोनों एक दूसरे पर भारी होने वाले हैं, तो देखना है कि ये भारीपना किसको पैसा दिला सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं लोग और कितने समय में इस कुंभकर्ण थाली को खाली कर पाते हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और 2000 रुपये ले जाना है तो स्पीड बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मोहम्मद यासीन पनीर से इतनी मोहब्बत कर लिए हैं कि पनीर पनीर उठा के खा रहे हैं और पूरी को पीछे रख दे रहे हैं। तो इस समय फूलचंद पूरी और पनीर से इतना तगड़े से झगड़ा कर रहे हैं कि दोनों डर के मारे इनके अंदर घुसी जा रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और यही अंदाज, यही इनका हौसला देखते देखते सभी दर्शक बहुत ही और 1.5 मिनट घूम जाते हैं। और असीन जी की काफ़ी प्लेट खाली हो चुकी है और देखते हैं खाली कर पाते हैं नहीं इस कुंभकर्ण थाली को। एकदम मस्ती में आ चुके हैं मोहम्मद यासीन जी और इस मस्तीपन का देखिए क्या परिणाम निकलता है। और इस चैलेंज को कहां तक लेकर जाते हैं लोग। पनीर बहुत बढ़िया, पनीर बढ़िया बनी आज बीच में का पहली बार यासीन जी बोले हैं बीच में चैलेंज में। तो मतलब इसका मतलब है कि आज पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है और दिखने में भी बहुत जायकेदार, बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर दिख रही है। बहुत गजब, और फूलचंद जी एक्सीलेटर लगा दो। बहुत बढ़िया, और देखना है आज यासीन जी के आगे फूलचंद जी के एक्सीलेटर चल पाता है कि नहीं। बहुत बढ़िया, और दोनों ही लोग सलाद का भी बराबर मजा ले रहे हैं, प्याज को काट काट के खाना है आज। बहुत गजब। और जैसे कि अब देख रहे हैं मोहम्मद यासीन जी और ही मस्ती से चालू हो चुके हैं और इनका एक्सीलेटर जिस पॉइंट से आए थे उसी पॉइंट पे टिके हुए हैं और फूलचंद जी हल्का सा प्लस करके एक्सीलेटर चल रहे हैं और देखना है कि यहाँ पर फूलचंद विजयी होते हैं कि मोहम्मद यासीन, जो विजयी होगा 2000 रुपये का नगद पुरस्कार लेकर जाएगा। और पूरी जो है बहुत करारी है, ये देख लीजिए आवाज़ उसकी सुन लीजिए और बता रहे हैं कि करारापन के साथ साथ जो यहाँ पर हमारे कंजा है वो थोड़ा सा गंजा हो गया है, पसीना छोड़ने लगे हैं दोनों चैलेंजर। मतलब गर्जना से चैलेंज दे रहे हैं मोहम्मद यासीन फूलचंद जी को, आ जाओ निपट लो चैलेंज में। और अभी भी फूलचंद जी के पास काफी पूड़ी पड़ी हुई है और यासीन जी के पास भी काफी पूड़ी पड़ी हुई है। बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय जो पूड़ी खाने का ये चैलेंज है, इसमें
अगर बढ़त बनाए हैं तो मोहम्मद यासीन थोड़ा सा बढ़त बना चुके हैं। और ये देखिए डबल पूड़ी का एक्सीलेटर चालू, और यहाँ पर ये जो डबल पूड़ी का एक्सीलेटर लगता है तो समझ चलिए खा आधी आधी रहे उसको, हाँ। चार टुकड़े में मतलब सोचे कि फूलचंद जी को हम डरवा देते हैं लेकिन फूलचंद अपने ही मस्ती में जुटे हुए हैं। दो पूड़ी तोड़े चाहे चार पूड़ी तोड़े लेकिन खाएंगे अपने स्पीड से, जो स्पीड फूलचंद जी बना के रखे हैं उस स्पीड को तोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक स्पीड में चलेंगे तो जीत सकते हैं क्योंकि ज्यादा तेज भागने वाला बीच में फंस जाता है। और प्याज का आनंद लेते हुए अब जाके फूलचंद जी पानी पीना चालू किए हैं। अभी यासीन जी तो पानी में हाथ भी नहीं लगाए हैं और मजा आ रहा है आज के चैलेंज में, इसलिए पानी ये लोग नहीं पी रहे हैं, सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। नहीं, वास्तव में मजा आ रहा है और देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहली बार गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस चैलेंजिंग वीडियो को देखने के लिए। बहुत बढ़िया, अभी 5:14 हुआ है और इन लोगों की प्लेट समाप्त होने के 70% खाली हो चुकी है। 70% खाली हो चुकी है, 70 क्या मोहम्मद यासीन का लगभग 80% प्लेट समाप्त हो चुका है। अभी भी काफ़ी पूरी है मोहम्मद यासीन जी के पास। बार बार आग की आवाज आ रही है, आवाज अंदर से आ रही है भैया आप नहीं थक हार गए हैं लेकिन तुरंत जो है एक्सीलेटर लगा लिए कहीं फूलचंद जीत न जाए। और तोड़ते तो दो पौड़ी हैं लेकिन खाते हैं एक ही आधी आधी पौड़ी खाते हैं, मतलब एक में चार टुकड़ा करते हैं। मोहम्मद यासीन जी इस गर्जना का, इस दिखावेपन का फूलचंद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो अगर चालू हो चुके हैं तो वही स्पीड बनाकर चल रहे हैं जो स्पीड उनको चाहिए था और एक सीमित स्पीड से चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। और ये वास्तव में चैलेंज देख कर हंसाई छूट गई है और फूलचंद जी को देखते हुए हमारे हंसाई छूट गई है कि वाह भाई वाह, चैलेंजर हो तो फूलचंद जैसा। देख रहे हैं एक बार पूरी को, फिर हमारे को देख रहे हैं, फिर चैलेंज में लग जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा एक वीडियो था प्याज खाने के चैलेंज में, तो बगल बगल जिस तरह प्याज खाते खाते थोड़ा सा एहसास हो गया था कि थकान महसूस हो गई, उसी तरह फूलचंद जी का चेहरा देखने में लग रहा है कि अब थकान महसूस होना चालू हो गया है। उस चैलेंज में राजू जी थे, राजू जी कह रहे थे सर पकड़ लिया है बिल्कुल प्याज है। हाँ, वास्तव में वो चैलेंज बहुत ही किफायती, बहुत ही मजेदार चैलेंज है। आप लोग जाइएगा वीडियो में जरूर देखिएगा प्याज खाने का चैलेंज, और बहुत टफ चैलेंज था, आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और देखते हैं 7:24 हो चुका है और देखते हैं कितने समय में लोग चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। और ये देखिए अब फूलचंद जी के नींद आना चालू हो चुका है, पूरी असर दिखाना चालू कर दिया है और इस चीज को देखकर मोहम्मद यासीन जी झूम उठे हैं कि अब तो हम जीत गए यार, बचा है केवल दो पूरी और इस दो पूरी के साथ हमको लग रहा है कि मोहम्मद यासीन जीत जाएंगे। भैया जी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, चलिए बहुत गजब, खाने दीजिए। इनको डर है कहीं नीचे ना गिरा दे पूरी। भाई छुपा के मत खाओ ना। नहीं यासीन जी ऐसे नहीं करने वाले हैं, सीना तान के लड़ते हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लास्ट बाइट चल रही है, पूरी मतलब लास्ट चल रही है बाइट, अभी दो है। पनीर भी खत्म करना है फिर तो पनीर और चावल लेके आ जाओ आप। चावल यहाँ पर नहीं अलाउ है अभी, है कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जल्दी से चावल लेके आओ, जल्दी आओ। मर्दा तो आ लिया है इस समय बहुत गजब गर्जना के साथ, जल्दी आओ का ऐलान हो चुका है। पता लगा फूलचंद जी जब तक तुम्हारे चावल आए तब तक फूलचंद जी पूरी रगड़ दे। नहीं पूरी अब नहीं रगड़ पाएंगे फूलचंद जी, ये नहीं चावल लिए हो तो अगर फूलचंद जी पूरी समाप्त कर लेंगे चावल भी आप पीछे हो जाओ क्योंकि सब्जी चावल में रहेगी ना। हाँ मान्य नहीं होगा भैया। हाँ खाते रहिए फूलचंद जी, खींच दो समय है। आहूं ना फूलचंद जी अब
कहा था आओ भाई चावल लेके जल्दी ना आए तो सब्जी पी आई। तो जैसे कि देख रहे हैं फूलचंद जी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं इस जंग में। आ रही चावल आ रहा है इस जंग में। फूलचंद अब मोहम्मद यासीन जी का पीछा नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब थोड़ा ही है खींच दीजिए। और देखते ही देखते यहाँ पर मोहम्मद यासीन जी के थाली में चावल जा चुका है और हमको लगता है फूलचंद भी चावल लेना चाहते हैं। नहीं नहीं फूलचंद जी से यही नहीं चल रहा चावल क्या करेंगे। सोच रहे हार है तुम्हारे सोच रहे कि यार मोहम्मद यासीन जल्दी खा लो यार तुम। अभी 7 पूड़ी बची हुई है फूलचंद जी की तभी चावल भी नहीं और 9:54 का समय हो चुका है। तो यहाँ पर मोहम्मद यासीन जी जीत हासिल कर चुके हैं। फूलचंद जी अब ना बोल चुके हैं नहीं खा पाएंगे ना। तो अभी मोहम्मद यासीन जी चैलेंज में लगे हुए हैं अभी चावल खा रहे हैं और समय हमने टाइमर बंद कर दिया है क्योंकि पूरी कंप्लीट कर लिए थे चावल अपने मर्जी से खा रहे हैं। तो ये जीत चुके हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं और फूलचंद जी जितना खा सके खाएं नहीं तो हाथ धो लीजिए। तो फूलचंद जी ये बताइए पनीर कैसे था? पनीर बढ़िया है। पूरी भी थोड़ा चीमर हो गई है। चीमर हो गए चीमर का मतलब आप लोग ये जान लीजिए कि थोड़ा सा टाइट हो चुका है खर हो चुका है और सब्जी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। फूलचंद जी का सब्जी का इस्तेमाल करते तो वो खर मतलब थोड़ी वो हो जाती दूर हो जाता है। तो और करारी पूड़ी ही खाने में मजा आता है। तो मैं पूड़ी बन गया। तो जो जीता है उससे पूछिए कैसे माल था। तो ये बताइए मोहम्मद यासीन जी ये पनीर और पूड़ी कैसे लगा आपको? बहुत गजब था आज पनीर बताया ना पहले ही बताया बहुत टेस्टी पनीर है। तो क्या आपको पहले से मालूम था कि हम जीत जाएंगे फूलचंद जी से? नहीं भाई ऐसा कैसे मालूम होता हम सदा सभी अपना अपना नहीं थ्रेसर की बात होती है ना थ्रेसर तो पेड़ ही ज्यादा मारता। अच्छा 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 चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों का। और कुंभ कलर थाली को यासीन जी बिल्कुल खाली कर दिए तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस पनीर और पूड़ी के चैलेंज में फूलचंद और मोहम्मद यासीन बैठे थे तो मोहम्मद यासीन पूरी तरह से तूफानी ताकत से पूड़ी और पनीर को इस थाली से खाली कर दिए और जीत इनके हिस्से में चली जा चुकी है। भैया इनाम पा गए तो मजा आया चैलेंज में कि नहीं? मजा आया फोन भाई यार पनीर बहुत गजब बनी थी। हाँ तो करारा थी इनको पनीर ही पसंद आई और पूरी भी मजा आया खाने में। फूलचंद जी के जबड़े ढीले पड़ गए हैं जाम हो गया थोड़ा सा ग्रीस डाल दीजिएगा ठीक हो जाएगा। तो आप लोग हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बनना बहुत बढ़िया था पर था। नहीं, मतलब देख लीजिए इनका थोड़ा सा एकदम क्लोज दिखा दे रहे हैं फूलचंद जी को एकदम बंद हो चुके गजब यार।